अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत की तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और सिक्योरिटी अथॉरिटी की तरफ से आ रही है। तो उनके तरफ से दोस्तों कल के दिन ये अनाउंसमेंट किया गया है कि कुवैत में जितनी भी वहाँ पर यंग लड़कियाँ या लड़के हैं वो अभी ड्रग्स का सेवन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। सेवन करने के लिए लोग अलग अलग तरीके को अपनाते हैं, ज़्यादातर दोस्तों केमिकल वगैरह, सबू वगैरह, लेरिका वगैरह, ये सब चीज़ों का ज़्यादा ड्रग्स के तौर पे वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहाँ पे ड्रग्स को इस्तेमाल करने के लिए लोग वहाँ पे अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि वो लोग पकड़े ना जाएं। तो दोस्तों बहुत सारे जगहों पे अभी ये देखने को मिल रहा है कि जूस में दोस्तों एक तरह का जूस को बनाया जा रहा है, जूस के साथ ही दोस्तों ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल उसमें मिलाकर किया जा रहा है। तो इसको लेकर दोस्तों वहाँ पर अलग अलग तरीक़ों से निपटने के लिए वहाँ पर एक टीम को गठित किया जाएगा ताकि उन लोगों को वहाँ पर रोका जा सके। ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पर 18 से 40 साल की उम्र वाले लोग जो है वो ड्रग्स की सेवन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से रोका जाए, किसे कैसे इसको रोका जाएगा, इसको लेकर दोस्तों वहाँ पे बातचीत की जा रही है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है साथियों मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आ रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से वहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने का दोस्तों ये था कि वहाँ पे अहमदी में दोस्तों एक मॉल है, वहाँ पे ब्रॉवल का काम यानी दोस्तों वहाँ पे बदमाशियाँ वगैरह कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे किया जा रहा था, जिसके बाद वहाँ के मॉल के मैनेजर के द्वारा कंप्लेन किया गया। कंप्लेन के दौरान पुलिस वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे कुछ शख्स को गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पे दोस्तों लोगों से साथ बदतमीजी और वहाँ पे कुछ ऐसी काम कर रहा था जो वहाँ पे इलीगल होता है, जिसके बाद उस शख्स को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया है जुवेनाइल डिपार्टमेंट की तरफ से और लीगल एक्शन लेके उन लोगों को जेल भेज दिया गया। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों कुवैत में मैरिज को लेकर और डिवोर्स को लेकर यानी शादियों को लेकर और तलाक को लेकर दोस्तों एक रिपोर्ट वहां पे जारी किया गया। बताया दोस्तों ये गया है कि कुवैत में शादियां जो है लगभग 5 सालों में 28.9% की वहां पे बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर लगभग 5 सालों में डाइवोर्स दोस्तों लगभग 13.7% की दोस्तों वहां पे बढ़ोतरी 5 सालों में देखने को मिला है 2017 से लेकर 2021 तक। यानी दोस्तों शादियों का भी दोस्तों आंकड़ा वहां पे बढ़ा है और तलाक वगैरह का, डाइवोर्स वगैरह का भी दोस्तों आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बढ़ गया है। बताया दोस्तों ये जा रहा है कि मैरिज वन ऑफ द पार्टी वास कुवैती जो है लगभग 13,804 है, जिनमें से कुवैती और कुछ नन कुवैती वहाँ पे शामिल है। और लगभग दोस्तों ये भी बताया गया है कि लगभग वहाँ पे 13% ऐसे वहाँ पे जो कि कुवैती जो लोग जो है वो नन कुवैती से शादी किए हैं, उनमें से महिलाएँ भी और मर्द इसमें दोनों शामिल है। अगली अपडेट की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों कुवैत टूरिस्ट टू बेनिफिट्स फ्रॉम यूरो पलटिंग एंड डॉलर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जैसा कि पता है साथियों कि डॉलर की दोस्तों जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सारे कुवैती जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करते हैं यूरोप में या फिर USA में। तो दोस्तों इसके वजह से क्या हो रहा है कि कुवैतियों को दोस्तों इससे बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे वहाँ पर डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाती है, यूरो की वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे से दोस्तों उसका रेट भी बढ़ता है। तो बहुत सारे कुवैती जो वहाँ पे बिजनेसमैन वगैरह हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये बताया गया कि कुवैतीज़ के तरफ से लगभग वहाँ पे 20% की दोस्तों वहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिला है, जिन्होंने अलग अलग कामों में, अलग अलग बिजनेस में दोस्तों जिन्होंने वहाँ पर इन्वेस्ट किया था। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो जॉर्डन से आ रही, तो कुवैत और जॉर्डन के बीच में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कुवैत के द्वारा लगभग मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तरफ से ये कहा गया है कि 170 जॉर्डनियन टीचर को यानी जॉर्डन के रहने वाले टीचर्स और एक्सपर्ट वगैरह को टीचर्स के तौर पे वहाँ पे लाया गया, जो कि सभी के सभी जॉर्डन के निवासी हैं और अलग अलग सब्जेक्टों के लिए दोस्तों सभी को लाया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एम्बेसडर ऑफ जॉर्डन के अजीज़ अल दहानी साहब के तरफ से दोस्तों ये बातें बताई गई और कोशिश दोस्तों उनसे ये भी किया जा रहा है कि और भी ज़्यादा मात्रा में लोगों को वहाँ पर लाया जाए ताकि जो भी कमी हो रही है टीचर्स की कुवैत में, ये चाहे वो कॉलेज हो या वो यूनिवर्सिटी हो या स्कूली बच्चे के स्कूल वगैरह हो, सभी जगह उसकी भरपाई की जा सके। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आ रही है। इंटीरियर से एक तलाल खालिद अल साबा की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि जो भी यदि अब आर्मी में यदि सर्विस करना चाहते हैं तो उसको उनकी एज लिमिट पहले तय की गई थी, वो एज लिमिट को दोस्तों अब बढ़ा दिया गया है। तो इसके बारे में दोस्तों ये डिटेल से आप पढ़ना चाहते हो तो मिनिस्ट्री इंटरनेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दोस्तों इसकी जानकारी आप ले सकते हो। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों ने स्टूडियो पर, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।